अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14, लेसन नंबर 2। टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। अगर जो हमारे पास जो डिजिट्स नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 के डिविजिबल है, देन इटसेल्फ नंबर जो होगा वो 9 के डिविजिबल होगा। एग्जांपल है हमारे पास is 459 divisible by 9। हमें देखना है कि 459 जो है वो 9 के divisible है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को सम करेंगे 4 plus 5 plus 9। इस नंबर के डिजिट्स को क्या हमने किया, सम किया, तो हमारे पास क्या आ गया 18। अगर हम देखें तो 18 जो है वो 9 के डिविजिबल है। सो 459 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इज 323 डिविजिबल बाय 9। अब हमने देखा 323 9 के डिविजिबल है या नहीं। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस नंबर के डिजिट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 3। हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 8। अगर अब हम देखें तो 8 जो है वो 9 के डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास जो 323 है वो भी 9 के डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हमें देखना है कौन सा नंबर है जो 9 के डिविजिबल है। अब देखना है कि 1873 जो है वो 9 के डिविजिबल है या नहीं। तो इस नंबर के डिजिट्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 को ऐड किया तो क्या आ गया 19। 19 is not divisible by 9. 19 जो है वो 9 के divisible नहीं है, so 1873 is not divisible by 9. Next exercise number 2A, question number 8, part B, 2457. इसका solution है हमारे पास, हमने क्या किया इस number के digits को add किया तो हमारे पास क्या आ गया 18। अगर हम देखें तो 18 जो है वो 9 के डिविजिबल है, तो हम कह देंगे सो 2457 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हमारी डायरी है एक्सरसाइज नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट सी डी, सॉल्व ऑन योर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट।